दोस्तों जय जेएमबीडी। अभी टाइम 10:15 हो चुका है और अभी मीटिंग ख़त्म हुई है। इसके तुरंत बाद ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर 9 से 10 के बीच में मीटिंग आ गई, कुछ लोग आ गए बहुत दूर से आ गए और मुझे मीटिंग देना पड़ा, इसलिए मैं आज जूम मीटिंग नहीं ले पाया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बनारस स्टेशन पर हूँ, आप पूरी ये भीड़ देख सकते हैं, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। और अभी मैं बिहार आरा से आ रहा हूँ और बनारस स्टेशन पर मुझे कुछ पुराने लोग, जो जब कंपनी खुली थी, नई जब कंपनी खुले हुए एक दिन एक महीना भी नहीं हुआ था, तब से अपने साथी हैं, लेकिन बीच में काम नहीं कर पाए, शुरू में विश्वास नहीं होता या और कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन लगातार मेरा फॉलोअप चलता रहता है। ग्रुप में उन लोगों को डाल देता हूँ जिनसे मुझे भविष्य में काम कराना है। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बगल में नीरज जी बैठे हुए हैं और कुछ दिन पहले ही इनका मेरे पास फ़ोन आया कि सर आप बनारस मुझे समय दीजिए और मैं फिर से जेएमबीडी शुरू करना चाहता हूँ। उस समय मैं बंगाल में था और बंगाल से फिर बिहार का टूर, और फिर मैंने इनसे बोला कि ठीक है, रात 9 बजे मैं बनारस स्टेशन पहुँचूँगा और 12 बजे मेरी दूसरी ट्रेन है, तो आप मुझे स्टेशन पर मिलिए और वहीं पर मेरी आपकी बात होगी। और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, करेक्ट 9 बजे मीटिंग शुरू हुई, नीरज जी आ गए, लेकिन मैंने बीच में इनसे अभी तक एक बात नहीं की है, बल्कि इनके कानों में लगाकर मैंने इनको भी मीटिंग सुनाई और खुद भी पूरी मीटिंग सुनी है, क्योंकि अगर आज मैं इनके सामने मीटिंग नहीं सुनूंगा तो ये मेरे पीछे मीटिंग कभी नहीं सुनेंगे। बीच में मीटिंग कई बार कटी, लेकिन इसके बाद भी मैंने, जब तक मीटिंग ख़त्म नहीं हो गई, मैंने इनसे कोई बात नहीं की, पूरी मीटिंग इनको भी सुनाया, खुद भी सुना। ये सबसे पहली चीज़ है, अगर इस बिजनेस में आप कितने लोग जोड़ रहे हो मायने नहीं रखता, लेकिन आप कितना सिस्टम से काम कर रहे हो बहुत मायने रखता है। लोग कम हो लेकिन हर व्यक्ति में दम हो। 40 बंदों से गुरु गोविंद जी ने 10 लाख की सेना हरवा दी और 10 लाख की सेना 40 बंदों को नहीं हरा पाई। तो आपकी टीम में 40 लोग हों लेकिन वो दमदार हों, उनको बोलना आता हो, समझना आता हो, सिस्टम को मान्यता देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात करोड़पति बनने में लगे हैं, लेकिन जूम मीटिंग में ध्यान नहीं रहता, जूम मीटिंग आता तो सुन के मीटिंग करने लग जाते हैं, उनको लगता है हाजिरी लग गई है जूम मीटिंग में, अब चाहे जो करो। ये अपने आप से छलावा है, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपनी आत्मा और परमात्मा से नहीं बोल सकते। और इस बिजनेस से आपके जीते जी पैसा आना बंद हो जाएगा अगर आप इसे सिस्टम से नहीं करेंगे, और अगर आप इसे सिस्टम से करेंगे तो आपके दुनिया में न रहने के बाद भी जब तक सूरज चांद है तब तक आपके घर पैसा आएगा। जैसे आज कुतुब मीनार बनाने वाला दुनिया में नहीं है लेकिन कुतुब मीनार खड़ा है, लाल किला ताजमहल बनाने वाला दुनिया में नहीं है फिर भी लाल किला और ताजमहल खड़ा है, ऐसे आपकी टीम खड़ी रहेगी अगर आप उसे सही सिस्टम से इस बिजनेस में लाओगे, जोड़ोगे, जगाओगे, भगाओगे तब। और अभी मैं आपसे बुलवाना भी चाहता हूँ नीरज जी से, आप इनसे पूछ सकते हैं, नीरज जी आप कितने बजे आए? मैं सर 9 बजे आया हूँ। क्या अभी तक मेरी आपसे कोई बातचीत हुई? जी नहीं सर, एक भी बात मैंने इनसे नहीं की है दोस्तों, और अब मैं इनके साथ मीटिंग करने चल रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि 9 से 10 कुछ भी हो, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर आए और बोले 9 से 10 के बीच मीटिंग दे दो, मैं ज्वाइन कर लूँगा और 1 करोड़ लोगों को ज्वाइन कराऊँगा, आप उसे मना कर दो, आप बोलो 10 बजे के बाद जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तभी प्लान दूँगा। आपका ये सिस्टम एक सिस्टम पैदा करेगा और वही सिस्टम आगे आपके टीम का सही से निर्माण करेगा। अगर आप प्राथमिकता नहीं देंगे, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो कोई तवज्जो नहीं देगा, कोई प्राथमिकता नहीं देगा, और अगर कोई प्राथमिकता देगा ही नहीं तो किसी समाज की या किसी सिस्टम की संरचना ही नहीं हो पाएगी, और अगर संरचना ही नहीं हो पाएगी तो सोचिए आपके सपनों की, आपके बड़े बड़े चेक की, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं जेएमबीडी की उसकी रचना कैसे हो पाएगी। तो दोस्तों जो मीटिंग को बहुत ध्यान दें, मीटिंग चाहे जैसी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, बात समझ में आए ना आए, प्रसाद कैसा भी होता है उसे खा लेते हैं क्योंकि वो प्रभु का आशीर्वाद है। जो मीटिंग एक प्रसाद है, एक सिस्टम,
आज आप तवज्जो देंगे कल आपकी टीम तवज्जो देगी, परसों उसकी टीम तवज्जो देगी, और एक दिन हर कोई तवज्जो देगा और एक सिस्टम चलता रहेगा और उस सिस्टम के माध्यम से आप सबके सपने पूरे होते रहेंगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली करके दिखाया, क्योंकि कल अभी मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे यही कहा कि सर मेरा बिजनेस अभी चल नहीं रहा है और कई बार 9 से 10 के बीच मेरे पास कई लोग आ जाते हैं तो मुझे उनको प्लान देना पड़ता है, इसलिए मैं कई बार मीटिंग ले पाता हूँ कहीं नहीं ले पाता। तुम्हारा बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा है तुम्हारे पास लोग नहीं हैं, तुम्हारा बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि तुम सिस्टम पे नहीं हो, और आपको लोग मिल भी गए और अगर आप सिस्टम पे नहीं आए तो बिजनेस एक दिन फिर ख़त्म हो जाएगा। तो बिजनेस जल्दी चलाना है लेकिन दुरुस्त चलाना है, ऐसा नहीं चलाना है कि जल्दी चल जाए और बाद में ख़त्म हो जाए, देर से चले दुरुस्त चले, जल्दी चले दुरुस्त चले, ये हमेशा याद रखना है। और बहुत गहराई का विषय नेटवर्क मार्केटिंग है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी गहराइयाँ हैं, बहुत सारे लोग इसमें गलतियाँ करेंगे, फिर सुधरेंगे, फिर सुधारेंगे, फिर अपनी गलती मानेंगे या उसको छुपा लेंगे, उसको बताएंगे नहीं, तो ये सब मौका हमें टीम को देना है और नए नए विकल्प तैयार करते चले जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गहराई वाला विषय है। तो कभी ट्रेनिंग में इसके ऊपर दोस्तों चर्चा करेंगे हम लोग, बस आज का वीडियो सिर्फ इसलिए कि जूम के समय केवल जूम, अगर मचाना है कामयाबी का बूम और अपनी सफलता का धूम तो जूम के समय केवल जूम। नमस्कार, जय हिंद।